बेटवा जरा पानी लेकर आना। लाया ग्रैनी। लो ग्रैनी पानी। थैंक यू बेटवा। पानी टेबल पे रख दे। ग्रैनी आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटवा कबर्ड साफ कर रही हूँ, बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई। और ये जो मेरी ज्वेलरी है ना, इसे भी चमका रही हूँ। ग्रैनी इतनी सारी ज्वेलरी, ये आपकी है? हाँ हाँ मेरी ही है। ये आपके पास कहाँ से आई? ये मैं अपने साथ दहेज में लेकर आई थी, और आधी तो शादी में रिश्तेदारों ने गिफ्ट की है। यूँ है ना लाजवाब। ग्रैनी जब आपके पास इतनी सारी ज्वेलरी है तो आप इसे पहनती क्यों नहीं? अरे इतनी भारी भरकम ज्वेलरी पहन के बाहर जाऊंगी तो डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे लूच ना ले। क्या ग्रैनी आप भी। ग्रैनी इतनी सुंदर रिंग, ये आपको किसने दी थी? पता नहीं बिटवा, ये तो मुझे खुद नहीं पता किसने गिफ्ट की है। होगी कोई चाची मौसी बुआ। ग्रैनी आप इसे पहनती क्यों नहीं हो? कितनी अच्छी लगेगी आपके हाथ में। बिटवा पहनने का तो बहुत मन करे है, लेकिन ये मुझे लूज है। डर लगा रहता है कि कहीं उंगली से गिर ना जाए। लाख रुपए की फटकी लग जाएगी। फिट करवा के ही पहनूंगी। अच्छा लगता है मुझे फिट आ जाएगी। ग्रैनी को तो ये रिंग लूज होती है, मुझे तो फिट आ गई। अरे पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो यही था। चलो मैं जाकर नहा लेती हूँ, बहुत काम बाकी है। स्वीटी की आवाज तो यहीं से आ रही थी। अरे ये कहाँ चली गई? मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मेरे घुटनों के दर्द का तेल कहाँ चला गया। ओफ ये दर्द। ये बुढ़ाऊ भी ना हमेशा अपने घुटनों का तेल ना घुमा देता है। अरे ग्रैंडपा आपको बताया था ना, आपके घुटनों के दर्द का तेल बेड के पास पड़ा है। अरे किसने आवाज दी? कौन है यहाँ? ओह नो। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी। बचा। अरे ये बुढ़ाऊ चिल्लाया क्यों? ये रिंग ग्रैनी को वापस कर देता हूँ। अरे ये तो मेरी उंगली में फंस गई। बिटवा, अरे ओ बिटवा। हाँ ग्रैनी। चल अब जल्दी से डिनर बना दे। हाँ ग्रैनी वही बना रहा हूँ। अरे तू कहाँ से छुप के बात कर रहा है? मेरे सामने आ, हाइड एंड सीक खेल रहा है क्या अपनी ग्रैनी के साथ? अरे लगता है इस बुढ़िया मतलब ग्रैनी की नजर कमजोर हो गई है। अरे ग्रैनी मैं यही तो हूँ। अच्छा अगर मेरे सामने है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, झूठा कहीं का? ग्रैनी मजाक क्यों कर रहे हो, मैं यहीं पर हूँ। चुप कर, जल्दी से मेरे सामने आ, पता नहीं कहाँ से चुप कर मेरे साथ बात कर रहा है। अरे तू अचानक से मेरे सामने कैसे आ गया? ग्रैनी मैंने कहा था ना मैं यहीं पर हूँ। झूठ, तो मेरे सामने था ही नहीं, अभी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया। ग्रैनी आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मेरे पास कोई मैजिक पावर आ गई हो, जिससे मैं अचानक से गायब हुआ और अचानक से प्रकट हो गया। लग तो ऐसे ही रहा था। चलिए सब छोड़, डिनर की तैयारी शुरू कर, बहुत भूख लग रही है। हाँ ठीक है ग्रैनी बना देता हूँ। अरे ये तो फिर से फंस गई। अरे ये फिर से कहाँ गायब हो गया? अचानक से कहाँ गायब हो जा रहा है तू? ओह नो, गायब हो गया? कहीं ये मैजिक रिंग तो नहीं? जरूर ये मैजिक रिंग है। वाह बिटवा तेरे तो मजे लग गए। अरे बोल रही थी घुटनों के दर्द का तेल कमरे में पड़ा है, लेकिन यहाँ भी नहीं दिख रहा। लगता है कब्रिस्तान मेडिकल स्टोर से नए घुटनों के दर्द का तेल लेना पड़ेगा, बैठे बिठाए खर्चा हो गया। तो ये बुढ़ाओ अभी तक अपने घुटनों के दर्द का तेल ढूंढ रहा है। ग्रैंडपा कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे? अरे ये घुटनों के दर्द के तेल की शीशी हवा में कैसे उड़ रही है? अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे उड़ रहा है? अरे 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 मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना, ये कैसे हो रहा है? बचाओ। बुढ़ाओ तूने मुझे बहुत तंग किया, अब इस मैजिक रिंग की मदद से मैं तुझसे चुन चुन के बदले लूंगा।
बेटवा जल्दी आ जा, डिनर का टाइम हो गया है। अरे छोड़ो उसे, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। चुप कर बुढ़ो, डिनर बिटवा के साथ ही करेंगे। ओ, तो आपको बहुत भूख लगी है ग्रैंडपा, आप बिटवा का इंतजार नहीं कर सके? अरे बिटवा कहाँ रह गया, बहुत भूख लगी है। अरे वाह, टेस्टी नगेट्स बने हैं। अरे मेरे प्लेट से फोक और नगेट कहाँ गायब हो गए? अरे श्रीमती जी, तुमने देखा मेरी प्लेट से खाना गायब हो रहा है? बुढ़ो, तेरे पेट में गायब हो रहा है, और कहाँ जाएगा? ये सुबह से क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, फोक वापस आ गया लेकिन खाना उड़ गया। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। भैया जी आपकी खुशबू आ रही है, हम आपको सुन भी पा रहे हैं, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चक्कर है? Oh no! क्या मगरू भाई, आपके सामने खड़ा हूँ, आपको कैसे दिखाई नहीं दे रहा? कसम से भैया जी, हम आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लगता है हमको जाना पड़ेगा। अरे लेकिन मगरू भाई, आप जा कहाँ रहे हो? भैया जी लगता है हमारी आंखें खराब हो गई है, हम आंखों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। See you. Take care, bye-bye. Hello, Granny speaking. Same to you, thank you. Hello, Nani Ma. Shlendina bolu chu. Bye, Lagu. Arre, Selu, तू तो कभी कॉल नहीं करती, आज कैसे याद कर लिया? पक्का तुझे कोई काम होगा, तभी तुझे अपनी ग्रैनी की याद आई है। बोल क्या काम है? आपने बिल्कुल सही कहा, वो क्या है कि मैं नई प्रॉपर्टी ले रही हूँ, विला यू नो, स्विमिंग पूल भी होगा वहाँ। एक्चुअली प्रॉपर्टी के लिए मुझे तो विटनेस लगेंगे, तो आपके साइन लेने आना चाहती हूँ। हाँ तो आ जा, हम पेपर्स पे साइन कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सो स्वीट ऑफ यू, आखिर अपना खून ही काम आता है। थोड़ी देर में पश्चिम एक्सप्रेसिव पहुँच रही हूँ, मेरे आने से पहले मेरे फेवरेट स्नैक्स बनवा के रखना, ओके? अच्छा सुन, आते वक्त अपने साथ MMLY से 4 समोसे, 2 कचौड़ी और 4 प्लेट बासुंदी ले आइयो। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अरे काम के टाइम पे इस कर्मचारी को सब कुछ सुनना बंद हो जावे है, मेरा भी टाइम आने दे, तुझे उंगलियों पे नचाऊंगी। और कैसी हो सिलेंडरना दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे चुडुआ? अरे आजा आजा सहलू, सफर में थक गई होगी, अंदर कमरे में रेस्ट कर ले। रेस्ट करने थोड़ी आई हूँ, काम से आई हूँ। अरे रेस्ट करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अरे पहले कुछ खा तो ले, फिर काम कर लियो। हाँ सही बोला छुटवा, पिलीज पिलीज मेरे लिए क्रिस्पी कॉकरोच और चमगादड़ कटलेट बना दे। हाँ अभी बनाता हूँ। अरे सिलेंडरीना, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? अरे कहाँ बताऊँ, बहुत जरूरी काम है। कौन सा काम? अभी छुटवा छोटा है ना, इसको नहीं बताना चाहिए। अरे छुटवा तेरे मतलब की बात नहीं है, छोटों का काम नहीं बड़ों का मामला है। अरे बिटवा को भी ले चलते हैं, वो भी कुछ मदद कर देगा। अरे तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता, छोटों के सामने ऐसी बात ना करते। छुटवा छोड़, इन सबको मेले मिर्च वड़ा और प्याज के पकौड़े भी बना दियो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम करो, मैं आपके लिए स्नैक्स लेकर आता हूँ। चलो अंदर कमरे में बैठ के बात करते हैं। हाँ चलो चलो, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है। तो सिलेंडरीना दीदी चाहती है कि मैं उनकी बातें ना सुनूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी जानूं कि सिलेंडरीना दीदी का ऐसा क्या सीक्रेट काम है। अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दीवारों के भी कान हो गए हैं, सीक्रेट काम सीक्रेट ही रहना चाहिए। चलो चलो, अब आप लोग जल्दी से इस पेपर्स पे साइन कर दो। साइन इसलिए? मैंने नई प्रॉपर्टी ली है, तो उसमें 2 विटनेस के सिग्नेचर लगेंगे, तो जल्दी से आप लोग इसमें सिग्नेचर कर दो। कहाँ कहाँ पे साइन करने हैं बताती जा। ओके। बस इस फालतू काम की वजह से सिलेंडरीना दीदी मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी। ये काम तो एकदम बोरिंग निकला। एक काम करता हूँ, कमरे में जाकर छुप जाता हूँ।
जैसी स्लेंडरना दीदी आएगी ना वो करके डरा दूंगा। ये स्लेंडरना दीदी हमेशा बोलती है ना मुझे डर नहीं लगता, मैं बड़ी बोल्ड हूँ। आज देखते हैं कि कितनी निडर है। ग्रानी को बड़ी इंटेलिजेंट समझती थी लेकिन यह तो एक नंबर के घोंचू निकली। मैंने इसे प्रॉपर्टी में विटनेस के लिए सिग्नेचर नहीं बल्कि ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए इन दोनों से सिग्नेचर्स करवाए हैं। अब इस बंगले के मालकिन मैं हूँ। इन तीनों को इस घर से लात मार के बाहर निकाल दूंगी। आखिर मेरा सपना पूरा हो गया। अब इस घर में मैं स्लेंडरमैन और स्पाइडर बेबी आराम से रहेंगे। इस स्लेंडर दीदी को मैं कितना बोना समझता था। मुझे लगता था कि इसका ऊपर का माला खाली है लेकिन ये इस हद तक गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। स्लेंडर दीदी मैं भी ग्रैनी ग्रैंडपा का बिटवा हूँ, मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? तुम तीनों इस घर से गेट आउट हो जाओ, अब ये मेरा बंगला है। अरे ये तो क्या बोल रही है? अपनी इंटेलिजेंस लगा के मैंने तुम दोनों से इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए तुम दोनों से सिग्नेचर्स करवा लिया है। अब ये बंगला और इसकी हर चीज मेरी हो चुकी है। अरे स्लेंडर दीदी तो अपने साथ स्लेंडर मैन और स्पाइडर बेबी को भी लेकर आई है, इनके होते हुए हम ये पेपर्स कैसे छीनेंगे? इतना बड़ा धोखा, हम तो तेरी मदद कर रहे थे। चलिए नानी सासू माँ ज्यादा ड्रामा क्रिएट मत कीजिए, चुपचाप से इस घर से बाहर निकल जाइए। अब इस घर के मालिक हम हैं। इन दोनों को निकालना है तो निकाल दो लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो, मैं तुम्हारे घर के काम कर दिया करूँगा। प्लीज सिलेंडरी न बेटा। चुप कर बुढ़ाओ, ये क्या बकवास कर रहा है तू? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जैसा कुछ मत कर। स्लेंडरना दीदी कहीं आप इन पेपर्स की बात तो नहीं कर रही? अरे ये पेपर्स तेरे पास कहाँ से आए छुटवा, जल्दी से मेरे बंगले के पेपर्स वापस कर। अरे वाह बिटवा, तूने तो कमाल कर दिया। स्लेंडरना के साथ धोखा, ये तूने क्या किया? हमें लगा था कि आप इस फैमिली के मेंबर हो और इस फैमिली को इतना प्यार करती हो लेकिन आप ऐसा कुछ करोगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। अच्छा तो तू हमें हमारे घर से बाहर निकालना चाहती थी? अरे मैं तो मजाक कर ली थी, आप लोग तो सीरियस हो गए। चल कट ले बेटा। जीते रहो बिटवा, आज तेरी वजह से मैं बेघर होने से बच गई। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सो प्राउड ऑफ यू, लव यू। ग्रैनी ग्रैंडपा ये तो मेरा फर्स्ट था। बिटवा तू तो खून के रिश्ते से भी ज्यादा अपना निकला, जीते रहो। ग्रैनी डिनर में क्या बनाओ? अरे तो अचानक से कहाँ गायब हो गया? हाय गाइस, आई होप आपको मैजिक रिंग के मैजिक देखकर खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मिट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।